वेलकम टू नेहा ज्यूने किचन। आज हम बना रहे हैं मटन निहारी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारा मटन कितना अच्छे से गल गया है और इतना मज़े का टेस्ट है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। गोश्त के बिल्कुल छोटे पीस नहीं करें। इसमें हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट और लेमन, 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, 1/2 कप दही। और ये है सबसे ज़बरदस्त शान निहारी मसाला जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम अभी गोश्त डालेंगे। इसमें हम 1 मीडियम साइज ऑनियन डालेंगे। ज़्यादा ऑनियन नहीं डलता है इसमें, ये सिर्फ मसाले में बनती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसमें चिकन और पाए में भी इसी तरह से बना सकते हो। एक तरफ हमारा गोश्त अच्छे से भून रहा है, दूसरी तरफ पैन में हमने ऑयल डाला है, उसमें 1 मीडियम साइज ऑफ ऑनियन डालेंगे। इसे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप ज़्यादा डार्क नहीं करें क्योंकि हमारा ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाएगा। मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑनियन निकाल दिया है ताकि हम इसे गार्निशिंग कर सकें। फिर इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे। दूसरी तरफ हमारे गोश्त को भी अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके ड्राई मसाला जल रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, 1 to 2 टेबल स्पून तक। इसमें हमने लेमन जूस डाला है। फ्लेम को मीडियम रखें वरना आपका मसाला जल जाएगा। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि यही मसाले में हमारा गोश्त भी पकेगा। अभी इसमें हमने दही डाला है। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि दही का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है और कलर भी कितना अच्छा आया है। इसके लिए हम कश्मीरी लाल मिर्ची डालते हैं ताकि कलर अच्छा आए हमारी ग्रेवी में। अच्छे से भूनेंगे हम। गोश्त भी हमारा अच्छे से भून रहा है। अभी हम 2 टेबलस्पून ऑफ शान निहारी मसाला लेंगे। ये मसाला मैजिक जैसा है, बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देगा आपके मसाले में। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो लेकिन शान का जो मसाला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इतनी अच्छी ग्रेवी है, इतनी मज़े की ग्रेवी बनी है। ये चिकन में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए हमारा गोश्त भी अच्छे से भून लिया था। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा सारा मसाला जो हमने बनाया है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी मज़े की है। अभी हम फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। कितना मस्त हो गया गोश्त। अच्छे से भूनेंगे ताकि ऑयल सरफेस पे आ जाए। देखो ऑयल सरफेस पे आ गया है। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, 1.5 ग्लास ऑफ पानी इसमें डाल देंगे। देखिए कितनी मज़े की लग रही है ग्रेवी। जब ये अच्छी तरह से पकेगी तो ये और भी अच्छी लगेगी। ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी सीटी लेना है। ये मैंने डिश आउट के लिए रेडी करके रखा है। कोरिएंडर, पुदीना, मिर्ची, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, लेमन, मैंने 10 सीटी लिया है। और गोश्त भी मज़े का गल गया एकदम। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है गोश्त, इतनी अच्छी तरह से टूट गया है। आप भी इसी तरह से गोश्त को एकदम नरम इसे पका दे क्योंकि निहारी में गोश्त इसी तरह से मज़े का लगता है। आप भी इसे एकदम सॉफ्ट पकाइए। देखिए हम सारा ऊपर का जो ऑयल है वो निकाल देंगे ताकि हम इसे जब डिश आउट करेंगे तब हम यूज़ कर सके। जैसा हमें बाहर भी मिलता है वो लोग अलग से ऑयल डाल के देते हैं, उसी तरह से हम भी करेंगे। इसमें हम अभी 2/4 कप ऑफ फ्लावर लेंगे। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो और ग्राम फ्लावर भी डाल सकते हो। इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से विस्क करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। बस हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए।
फिर इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे ताकि ग्रेवी हमारी थिक हो जाए, क्योंकि निहारी थिक होती है, उसी तरह से हम भी इसमें डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थिक हो जाए। आप एकदम से थिक नहीं करें, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उस तरह से थिक करें, लेकिन इसे ज़्यादा पतला नहीं करें, क्योंकि इसे हम तंदूरी रोटी के साथ में खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। आप ज़्यादा पतली नहीं करें, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल ग्रेवी नहीं है, ये निहारी है, तो ये थोड़ी सी थिक होती है। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट का जो तरीका है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की है और टेस्ट इतना अच्छा है, इसकी खुशबू से पूरा घर महकता है, बहुत ही मज़े की बनी है। इसका डिश आउट का तरीका इस तरह है। इसमें जिंजर बहुत ही अच्छा लगता है, जो बड़ी वाली ग्रीन चिली होती है जो स्पाइसी नहीं होती वो हम यूज़ करेंगे। लास्ट में हम कोरिएंडर डालेंगे, फिर हम इसमें मज़े का लुक देने के लिए जो ऑयल हमने सेपरेट किया था वो डालेंगे। देखिए ये ऑयल का टचअप देने के बाद ही हमको लगता है कि हम निहारी खा रहे हैं, क्योंकि दिखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है। टेस्ट तो आप पूछे मत, बहुत ही मज़े की थी। इसे आप पराठे के साथ में, तंदूरी रोटी के साथ में, या नॉर्मल रोटी के साथ में जो हम घर में बनाते हैं, आप उससे भी इंजॉय कर सकते हो। बस आप खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।